ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस गाने के लेसन के साथ। शुरुआत की फर्स्ट लाइन इस तरीके से प्ले करना है। ठीक है, ये स्टार्ट होगी फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे दो स्ट्रोक के साथ, फिर दो स्ट्रोक देना है सेवन फ्रेट पे, पुल ऑफ करना है फाइव पे ऐसे, फिर एक स्ट्रोक देना है सिक्स थ्रेड थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर तीन स्ट्रोक देंगे एट थ्रेड थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर से सिक्स पे एक स्ट्रोक देंगे, स्लाइड अप करेंगे फोर पे, फोर पे एक स्ट्रोक देंगे। क्या प्ले कर रहे इस लाइन के लिए? ठीक है, अब सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन फिर से स्टार्ट होगी फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे दो स्ट्रोक के साथ, दो स्ट्रोक सेवन पे, पुल ऑफ फाइव पे, सिक्स फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग का, फिर से फाइव सेकंड स्ट्रिंग का, सेवन पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन करेंगे नाइन पे, और एक स्ट्रोक नाइन पे, फिर एक स्ट्रोक सेवन पे, स्लाइड ऑफ फाइव पे। क्या प्ले कर रहे इस लाइन के लिए? ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट लाइन हमने प्ले की थी वो रिपीट करना है। इसके बाद वाली लाइन भी रिपीट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन अगर होगा आप लोग, तो रिटर्न टाइप्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप लोग रेफर कर सकते हो उसको। उसके बाद ऐसे तुम मिले हो, तो ये लाइन स्टार्ट होगी नाइन्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग के दो स्ट्रोक के साथ, और एक स्ट्रोक देना है तीन स्ट्रोक के साथ स्टार्ट होगी, ट्वेल्व टेन ऐसे, टेन पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करेंगे नाइन पे, फिर सेवन पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करेंगे फाइव पे। ठीक है, ऐसे पुल ऑफ भी कर सकते हो या तो स्लाइड भी कर सकते हो, सेम ही साउंड करेगा। ठीक है, उसके बाद सॉरी, तो ये स्टार्ट होगी फिफ्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग के दो स्ट्रोक के साथ, सेवन नाइन, सेवन पे स्ट्रोक देके पुल ऑफ करेंगे फाइव पे, फिर सिक्स थ्रेड थर्ड स्ट्रिंग पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करेंगे फोर पे। क्या प्ले कर रहे इस लाइन के लिए? अभी फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट करना है। ठीक है, उसके बाद दो स्ट्रोक फाइव पे, सेवन नाइन सेवन ऐसे। ठीक है, ये चारों लाइन एक बार फिर से प्ले करते स्लोली। ठीक है, आई होप अभी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो मेन पार्ट है काफी राना, उसके लिए ऐसे प्ले करना है। ठीक है, तो स्टार्ट होगा फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे फोर सिक्स, फिर दो स्ट्रोक देना है फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, स्लाइड डाउन करना है सेवन पे, फिर हल्के से पॉज के बाद बिना स्ट्रोक दिए नाइन पे स्लाइड करेंगे, वापस सेवन पे लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर से दो स्ट्रोक देंगे फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, सॉरी एक ही स्ट्रोक देंगे,
फिर सिक्स पे शोक देके नाइन पे स्लाइड करेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे ऐसे। क्या प्ले कर रहे इस लाइन के लिए? ठीक है, उसके बाद तो इसका पहला पार्ट तो सेम है, यहाँ तक के टैप्स में बता चुका हूँ आपको। अब इसके बाद फिर से फाइव प्ले करेंगे सेकंड स्ट्रिंग पे, सेवन पे शो देके स्लाइड करेंगे नाइन पे। दोनों लाइन एक बार साथ में प्ले करते स्लोली। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट है ऐसे तुम मिले हो उसके टैब्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके टैब्स को बता चुका आपको ऑलरेडी। अब इसके बाद में फिर से काफी राना वाला पार्ट प्ले करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको फर्स्ट वर्स जो है गाने का वो पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में एक सोलो प्ले हुआ है, सितार पे प्ले हुआ है, लेकिन हम गिटार भी प्ले कर सकते हैं उसको। तो उसके टैब्स में आपको पहले प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट ऐसे प्ले करेंगे, तो ये स्टार्ट होगा दो स्ट्रोक के साथ फोर्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे। फिर और एक स्ट्रोक देना है, फिर सेवन फाइव, अभी फाइव पे सीधा रिफ्लेक्ट देंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फाइव पे तीन स्ट्रोक, नाइन सेवन, अभी सेवन पे सीधा रिफ्लेक्ट। तो क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद तो अभी दो स्ट्रोक देना है फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, सेवन नाइन सेवन, सेवन पे सितार इफेक्ट। ठीक है, दोनों पार्ट को कंबाइन करके एक बार स्लोली प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक फ्लूट वाला पार्ट प्ले हुआ है, उसको भी हम गिटार पे प्ले कर सकते हैं। आप, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो ऐसे प्ले होना है। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है वैसे। ठीक है, तो इसको भी हम जैसे देखा आपने दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट ऐसा होगा, तो ये स्टार्ट होगा ट्वेल्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर ट्वेल्थ फ्रेट फर्स्ट फ्रेट, ट्वेल्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फोर्टीन फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग स्लाइड डाउन टू सिक्सटीन, फिर से फोर्टीन सिक्सटीन, फोर्टीन पे शो देंगे हैमर पुल ऑफ सिक्सटीन पे, नाइन्थ फ्रेट ऐसे। उसके बाद फिर से सेम टाइप्स प्ले हुए, बस हैमर पुल आउट जो है वो ज़्यादा देना है इस बार ऐसे। ठीक है, आई होप फ्लूट वाला पार्ट भी क्लियर है आपको, ऐसे प्ले करना है। ठीक है, ये सारे इसका रिटर्न टाइप्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है मैंने, वहाँ से रेफर कर सकते हो आप उसको। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्स पे आते हैं। नेक्स्ट वर्स की फर्स्ट लाइन इस तरीके से प्ले करना है। ये स्टार्ट होगी ट्वेल्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ट्वेल्व इलेवन सेवन नाइन,
पुलाव सेवन पे और एक स्ट्रोक सेवन पे ऐसे, फिर से सेवन नाइन, इलेवन ट्वेल्व पुल ऑफ इलेवन पे, फिर से ट्वेल्व पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन टू फोर्टीन। क्या प्ले कर रहे इस लाइन के लिए हम लोग? उसके बाद तो फिर से ट्वेल्व इलेवन सेवन नाइन पुल ऑफ सेवन पे, दो स्ट्रोक सेवन पे, दो स्ट्रोक फोर पे, स्लाइड डाउन टू सेवन। ठीक है, दोनों लाइंस को एक बार फिर से प्ले करना है आपको, तो फिर से एक बार प्ले करते साथ में। सेकंड टाइम प्लेइंग करेंगे तब दो बार स्लाइड करना है। फर्स्ट टाइम हमने ऐसे प्ले किया था, सेकंड टाइम। ठीक है, जैसे मैंने कहा रिटर्न डैश की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो उसको रेफर कर सकते हो आप लोग। इसके बाद फिर से ये सारे टाइप्स तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये टाइप्स बता चुका हूँ, उसके बाद फिर से काफी रहना। फिर से काफी रहना। इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ऐसे प्ले करना है। ठीक है, स्टार्ट वैसे ही होगा, फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग सिक्स, दो स्ट्रोक फाइव पे सेकंड स्ट्रिंग है, स्लाइड डाउन टू सेवन। अब सेवन पे एक स्ट्रोक दे, स्लाइड डाउन करना है ट्वेल्व पे, फिर स्लाइड अप टेन और नाइन पे, और एक स्ट्रोक नाइन पे, टेन पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन टू ट्वेल्व। यहाँ पे सेकंड वर्स खत्म हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस गाने के टाइप सीखने में। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन या रिक्वेस्ट हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में टच में आ सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी मैंने यहाँ पे देख रखी है। एंड जैसे मैंने कहा, इस गाने के टाइप से रिलेटेड कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो उसकी रिटर्न टाइप्स की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में देख रखी है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, आई गेस गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।